अस्सलाम वालेकुम दोस्तों। तो फाइनली टिकटॉक का लाइट वर्जन आ चुका है जो कि अभी तक प्ले स्टोर पर अवेलेबल नहीं है। हम जो है आपको प्रूफ के साथ दिखाएंगे कि टिकटॉक का लाइट वर्जन जो है आपको कहाँ पे मिल जाता है और कैसे आपको जो है उसको यूज़ कर सकते हैं, उसको कैसे जो है इंस्टॉल कर सकते हैं। आपने यमूमन देखा होगा कि जो टिकटॉक है वो काफ़ी हैवी ऐप है, जो 2 GB रैम वाले मोबाइल या 1 GB रैम वाले मोबाइल उनको जो है इंस्टॉल अगर करते भी हैं उन पर जो स्लो हो जाते हैं या हैंग हो जाते हैं। एज ए पर्सनल मेरा भी मोबाइल जो है वो 1 GB रैम वाला है जिससे पे जो है मेरे टिकटॉक नहीं चलती थी। तो फाइनली अभी जो है टिकटॉक लाइट वर्जन आ चुका है, लेकिन अभी तक प्ले स्टोर ने अभी तक इस पर कोई जो है एक्शन नहीं लिया और उस पर जो है अवेलेबल नहीं है। तो चलिए अपनी वीडियो को जो है शुरू करते हैं और सीखते हैं और देखते हैं और इंस्टॉल करते हैं कि कहाँ से जो है आप टिकटॉक लाइट का वर्जन जो है वो हासिल कर सकते हैं। तो ये टिकटॉक का लाइट जो वर्जन है इससे आपका मोबाइल जो है वो हैंग भी नहीं होता और स्लो भी नहीं होता और इसका इंटरफेस भी कुछ चेंज है। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। अगर आपने अभी तक हमारे चैनल टेक्निकल सरगी को सब्सक्राइब नहीं किया तो जल्दी से सब्सक्राइब करें और साथ ही बेल आइकन प्रेस कर दें ताकि इसके साथ जितनी भी मजीद वीडियोज़ हैं या टिप्स ट्रिक्स हैं वो आपको डेली बेसिस पर मिल रहें। तो सबसे पहले हम आपको जो है प्ले स्टोर ओपन करके दिखा देते हैं कि प्ले स्टोर पर अवेलेबल है या नहीं। तो हमने जो प्ले स्टोर ओपन देखें तो कर लिया है। इसके बाद हम सर्च की जगह पर लिख देते हैं टिकटॉक लाइट, टिकटॉक लाइट इसको जो है हमने सर्च कर दिया। तो ये देखें तो अभी तक अवेलेबल नहीं है। हम इसको जितना भी नीचे स्क्रॉल करते जा रहे हैं यहाँ पे अवेलेबल नहीं है। तो आखिर ये कहाँ पर मिलेगी? ये हमें मिलेगा विडमेट में। चलिए विडमेट को जो है ओपन करते हैं। तो हमने जो है विडमेट को ओपन कर लिया है। उसके बाद हम सर्च की जगह पर लिख देते हैं टिकटॉक लाइट। तो हमने यहाँ पर लिख दिया टिकटॉक लाइट। तो ये देखें तो टिकटॉक लाइट हमारे पास, जैसे हमने इसको सर्च किया तो पहले हमारे पास जो है टिकटॉक लाइट आ चुका है जो कि प्ले स्टोर में नहीं था। तो आपको आपने जो है इसको इंस्टॉल कर लेना है और इंस्टॉल करने के बाद इसको ओपन कर देना है। तो ये 30 MB की है टोटल, जबकि जो बड़ी थी वो 87 MB की थी जो काफ़ी हैवी ऐप थी, लेकिन ये काफ़ी लाइट ऐप है जिससे आपके मोबाइल पर कोई फ़र्क नहीं पड़ने वाला। उम्मीद करते हैं आपको ये वीडियो अच्छी लगी। अगर अगर वीडियो ये अच्छी लगे तो वीडियो को लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करते हैं।